सो गाइस हम जा रहे हैं देखो भाई के साथ हीरो होंडा के लिए। खाना खाना नहीं बचा तो आइसक्रीम से अपना पेट भर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही लेट है, ये भी लास्ट पहुंची है, वो भी खत्म हो चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ फुल पेट खाओगे ठीक है? नहीं नहीं, जुकाम हुआ है, अरे तबीयत खराब हुई है। तो गाइस तो देखिए हमारे साथी से वापस आने का टाइम, हमारे साथ क्या क्या और हम कहाँ गए घूमने। तो ये हमारा पार्ट टू का ब्लॉग है, जिस दिन मैं शादी में गया था शादी की वापसी बहुत ही तगड़ी थी, एकदम रोला रप्पा वाली। तो दिखाते आपको अपनी वापसी। तो गाइस वापस में आने में बहुत मजा आया बहुत, और ब्लॉग भी बन चुका था बहुत बढ़िया, तो पार्ट टू करना पड़ा मुझे। तो दिखाइए गाइस हमारी वापसी। पैसा तो कार में जाएंगे अपने, मोबाइल कार है भाई के पास, तो हम तो लोहाघाट से घर की तरफ। ये देखो बाइक, तो गाइस तो हमारे सौरभ भाई बहुत ही प्यारी बाइक चलाते हैं, तो हम इनके साथ ही जा रहे हैं रोला रप्पा करके। भाई तो कार में यार, कार वाले बंदे तो बाहर चल रहे हैं। अम्मू भाई बाय बाय। अम्मू भाई नीचे, अम्मू भाई कार वाले हैं, नीचे करो ना, अरे नीचे करो ना शीशा, ये देखो ना यार इधर से दिखा देंगे अम्मू भाई। ये है तुम्हारी लोहाघाट की बाजार, जिसने नहीं देखी हम उनको दिखाना चाहते हैं कि लोहाघाट ऐसी बाजार है। देखो आदमी ही नहीं दिख रहे हैं आज, बहुत कम भीड़ है चंपावत की तरह। कभी यहाँ मोदी जी आएंगे आएंगे। लोहाघाट से बिता लेते हैं भाई और मैं ठीक है, अब मिलेंगे आपको चंपावत में ठीक है। रोला रप्पा सिस्टम गाइस, गाइस शादी में मतलब वो गांव वाली फिल्म नहीं आई, बट क्या करें होटलों में ऐसा ही होता है। गांव में फिर दिखाएंगे गांव वाली शादी, जिससे मेरी शादी होगी गांव के देरों से ठीक है गाइस। इतनी भीड़ सब पकड़ चाहिए, देखो इतने बैग तल के इतने लोग खड़े हैं इधर पे गाइस, सारे बैग तल लिए देखो, ये सब अक्कल दारे में आए हैं। ऊपर हो रहा है चालान, हमको किसी ने बता दिया, ऐसे होते ये तो भगवान होते हैं भाई, जो मतलब बीच में बता देते हैं कि चालान हो रहा है आगे, होती है कि नहीं गाइस? वैसे गाइस हेलमेट पहना करो, हम जा रहे थे शादी में तो हेलमेट कहाँ रखने की वजह से हम लोग मिलाए, बट यार अब चालान हो रहा है, कुछ लोग भगवान होते हैं जो ऐसे बता जाते हैं कि आगे चालान हो रहा है, अगले मोड़ में हो रहा है चालान। तो अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, चाय पियेंगे, चाय कहाँ पर मिलेगी, चाय कहाँ मिलेगी, यहाँ होटल खोलना पड़ेगा मैंने उसके, जो भी होगा। गाइस कह रहे हैं कि चलान हो रहे हैं, इधर भी हो रहे होंगे मुझे लग रहा है इस मोड़ में, एक मोड़ आया। चलो हम गाइस थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, इधर डाल दें हम लोग, यहाँ को चले जाते हैं, यहाँ पर एक नीचे एक कैफे है, कैफे में छोटा सा आपको कैफे दिखाएंगे, वहाँ पर हम एक चाय पियेंगे। क्यों सौरभ भाई दिखाने, मैं तो कभी देखा नहीं है क्योंकि सौरभ भाई जाते हैं, बस ऐसा है कि आधे घंटे, और अगर गलती से कोई देख रहा है वीडियो तो सॉरी पुलिस प्रशासन, हम आपकी वो नहीं कर रहे हैं, बट हमें हम हेलमेट नहीं लाए, हेलमेट नहीं लाए हैं तो हमें इसी रोड से जाना पड़ेगा, और आपसे माफी मांगते हैं आज से, हम डेली हेलमेट नहीं, आपसे अच्छे से चलेंगे, हेलमेट लेके चलेंगे, अपना चालान नहीं कटाएंगे। ऊपर खबर रोड भी है गाइस, लेकिन यहाँ पर जो ये देखो आगे कैफे, कैफे गाइस तुम्हें दिखाते हैं हम, कैफे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बढ़िया। यहाँ हम आते रहते थे गाइस, 3 किलो चिकन 3 किलो मटन, ये सौरभ भाई का अड्डा है चिकन खाने वाला, बट मैं तो पहली बार आ रहा हूँ गाइस, क्योंकि सौरभ भाई ऐसी ऐसी जगह जाते हैं क्या बताऊँ, अब नंबर वन ब्लॉगर बनेंगे अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे सर्वप्रथम मैं पानी पी लेता हूँ, सबसे पहले मुझे लगी है प्यास खराब वाली। ये देखो यार नजारे ना, मतलब गाइस अगर आपको अगर लोहाघाट आना है तो उस कच्ची रोड से थोड़ा निकले और यहाँ की नदी देखे बहुत ही खूबसूरत। हमारा ऐसा आने का प्लान नहीं था, प्लान नहीं था, मतलब भाई ने पहुंचा दिया वो चालान के चक्कर में, चालान कहाँ वाले देखते हैं ऊपर हो रहे हैं, हमारी गाड़ी सीज हो जाती है, हमारे पास अभी हेलमेट नहीं था, और बाकी देखो इधर खूबसूरत नजारा, इसी वजह से तुम ये खूबसूरत नजारा देख पा रहे हो। सामने पॉली हाउस देखो, ऐसे पॉली हाउस में सब्जी लगाई जाती है पहाड़ों में, देखो इनकी वजह से हम बहुत ही खूबसूरत जगह चले गए हैं, अब यहाँ पे हम बहुत ही मतलब मजा ले रहे हैं, इधर पे देखते हैं कि क्या क्या है, जो होता अच्छे के लिए होता। अब चालान हो रहे हैं मुझे पता भी थी ये जगह लोहाघाट में थी, मतलब मेरे को नहीं पता, सौरभ भाई ने देखी थी, तो हम उनके साथ जा रहे हैं, तो दिखाते हैं अब यहाँ की खूबसूरत नज़ारे आपको, क्योंकि ये ब्लॉग अब मतलब तुम्हारा तभी दो पार्ट में बनाया गया क्योंकि आप भी खूबसूरत चीज़ें देख सको, क्यों सौरभ भाई? क्योंकि अपने पहाड़ से सुंदर जगह कोई नहीं है, और यहाँ पर भाई ने मतलब मैं एक छोटा सा क्या, ये देखो गाइस ये पूरे जंगल के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कैफे है, देखो गाइस इधर पे बहुत ही बढ़िया कैफे, अगर आप चिकन मटन कुछ भी लाते हो तो यहाँ पे बनाया जाता है गाइस, तो यहाँ पर वैसे भी बना देंगे, और बाकी मैगी वैगी चाय भाई, ये देखो ना जस्सी भाई का भाई करा रखा है, इनका फ्लैश चला हुआ था, फ्लैश बंद करते हैं ठीक है जाओ इधर पे, उधर पे जाते, उधर से दिखाते हैं कुछ, आइए आपको वहाँ क्या है करके जस्सी भाई ना यार, भाई का सिस्टम क्यों गाइस, आज दिख रहा हूँ तो मैं फुल ऐसे, मतलब नहीं तो मैं खुद ही मुझे व्लॉगिंग करनी पड़ती है, मेरे पास एक कैमरा मैन आ रखा है सौरभ भाई, तो दिखाएंगे पूरा ब्लॉग बढ़िया।
पूरा ही बहुत ही खूबसूरत जगह है, दिखाते हैं आपको दिन में। यहाँ पे बहुत ही बड़ा फॉरी हाउस दिया, देखो गाइस खेती कितनी तगड़ी ऊँची होगी। देखो गाइस यहाँ पे दिखाओ नीचे, देखो पानी का स्रोत है ना इधर पे गाइस, पानी के स्रोत के होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंगल देखो नेचुरल एकदम बढ़िया सा। और वहाँ पे हो रहे चालान गाइस, वो उधर पे वो बोर्ड के पास हो रहे चालान, हल्का जूम कीजिए फिर भाई, वहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, हाँ वहाँ पे हो रहे चालान। सो गाइस हम बैठ चुके हैं कैफे में, देखो और हमने ली है मैगी, यहाँ पे मैगी खाएंगे ठीक है गाइस। आपको यहाँ आएंगे तो मैगी चिकन सब अवेलेबल है मतलब, और इधर पे देखने का मतलब नज़ारा कुछ है, वहाँ देवदार देखो, देवदार का छांव, और इधर पे देखो पूरा कैफे मस्त है मतलब। यहाँ आप सिंगल भी आ सकते हो और वैसे भी आ सकते हो ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस, सारा समझ लो तुम, अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर तुम अभी गाइस। हम ये हम वैसे खाना खा के आए हैं पर थोड़ा सा मैगी खा रहे हैं क्योंकि यार झटतन टाइप के हम आए हैं, तो फिर थोड़ा मजे लेने हुए, क्यों चाय भी पियेंगे अभी हम यहाँ पे ठीक है। चालान के पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, चालान के ना जो चालान कटेगा वो चालान कटता 500 रुपए का, हमारा अभी इसमें 100 रुपए से काम बन, 100 भी नहीं 50-60 रुपए में काम बन जाएगा। तो गाइस देखिए हमें बहुत ही खूबसूरत चाय पी रहे हैं, और सामने का नजारा देखो सनसाइड भी देखो, ये गाइस बहुत ही खूबसूरत सनसाइड दिख रहा है यहाँ पे, और ये सौरभ भाई भी चाय पी रहे इधर भी है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। और कुछ कहना चाहोगे सौरभ भैया ये इस बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, इस जगह के बारे में? इसमें बहुत बढ़िया वाइब है जगह की, इतने दुकान से फोन, हमारा भाई तो इतना अंबानी जैसा हो रखा है मतलब, हर 10 मिनट में फोन आ जा रहा है, क्या ही करें मतलब। सौरभ भाई एकदम मस्त तरीके से मैगी खाते हैं और इनको बहुत टेस्टी लगी है भाई, बहुत जेन्युइन रिव्यू है मतलब, एक बार जरूर आना फिर अपना ओपिनियन देना मतलब, बहुत तगड़ी मैगी बनाई है, मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया गाइस। अब मैं मैगी खाने यहीं आऊंगा जब भी लोहागाड़ आऊंगा। निकल चुके हैं अब हम जा रहे हैं, सौरभ भाई थोड़े आगे निकल चुके हैं हेलमेट पहन के, क्योंकि यार क्या पता चालन हो जाए, अच्छा नहीं लगता है किसी का, कि भाई भी मेरे साथ है हमारे यहाँ का, हमने भी एक और उतार दिया है, तो अब हम जा रहे हैं आगे देखा थे क्या होता है। देखो ये इधर पे हो रहे थे चालन ठीक है यार, बहुत मूड खराब हो गया, बुखार उखार अलग से आया है ठीक है, पैदल और ज़्यादा चलना हो रहा है, पीछे हो रहा था चालन, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, बहुत थका चालन कर रहे हैं मतलब, ये देश के बाहर टेक्निक नहीं जानी चाहिए, और ये देखो ना बंदा टेक्निक कभी कहीं नहीं जानी चाहिए, अगर आगे चालन हो रहे हैं तो बंदे को आगे भेज के हेलमेट पास कराते रहो। लड़ाई से चढ़ते हुए हम सब पहुंच गए, ये देखो गाइस आज तो मैं वो दिखाते हैं बाइक चलाना, ये देखो गाइस ये पहुंचे हम, आराम से ही चलानी चाहिए गाइस बाइक ना, बाइक आराम से चलानी चाहिए, हम भी आराम से चला रहे हैं तो मशीन के साथ कोई मजाक नहीं गाइस, और हेलमेट पहन के चलें, हेलमेट पहन के चलें। जब अपने खूबसूरत स्टेशन में गाइस, जो हमारा चंपावत का स्टेशन है, और यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ होती हुई मार्केट में गाइस, गिने चुने लोग आते हुए, शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं, ये देखो ये वाओ व्हाट अ नाइस गाइस, क्या व्यू आ रहा है देखो गाइस, शाम की चकाचौंध चंपावत की, घुतालिया बैठी थी ऊपर उड़ते हुए देखो ली। हम पहुंचे शाम के टाइम अपने भाई जी की दुकान में, देखो इन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा, हाँ स्वास्थ्य अभी देखो थोड़ी नब्स अब से पकड़ो मेरी, नहीं अब तो ठीक लग रहा, आराम लग रहा है ना, मुझसे ज़्यादा गर्म तो तुम हो रहे हो अभी। सौरभ भाई की दुकान में पहुंचे, सौरभ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे वो चालान का था वो तुम्हें दिखाने के लिए था कि ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट जगाने के लिए था, दिन भाई पूरा शादी में लग गया हमारा, और जो आने का सफर था भी कभी कभी जरूरी है, दुकानदारी तो रोज ही है, और आने का सफर इसलिए नहीं था हमारा चालान, हमने दिखाना हमने मतलब कंटेंट, और हमारा कंटेंट बन चुका है एंड टाइम पे, और ये लल्लू भाई इनको दुकान में रखा था भाई, इधर को देख ले ये मेरा भाई, देखो आज दुकान यही था, तो इनको थोड़े लेट तक रखने के लिए हमने ये करा, क्योंकि हमने कहा थोड़ी देर दुकान देख देगा। बढ़िया यार, हम जाए हेलीकॉप्टर में, अब देखो ये हमारा सस्ता हेलीकॉप्टर, तो अब ड्राइवर चेंज हो चुका है, अब हमारे बिनवाल जी पहुंचाएंगे हम हमारे, ठीक है इसमें जाएंगे हम, पीछे बैठेंगे, ओके ब्रो रुको भी तो सही रे, ये मेरा दोस्त, ये मेरा भाई, ये भी मेरा भाई, हेलो तो गाइस ना मतलब यो चालान वाला ये था ना, हमने कहा थोड़ा तुम लोग देखोगे कि चालान होता है कि नहीं होता करके, इसलिए हमने बनाया, बाकी इसकी बैटरी खत्म हो गई था, वो लोग चालान किसी का कर नहीं रहे थे मतलब, बाइक वाला का नहीं कर रहे थे, हमने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं क्यों, इधर से आम 2 किलो ठीक है गाइस, दिखा रहे आपको पैसे ऐसे तो है नहीं, अब कुछ तो मैं
तैयारी खत्म होता है क्योंकि हमारे भाई साहब आ चुके हैं इधर पे। तो गाइस यहाँ हाँ सूरज सिंह मिल चुके हैं यहाँ पे, सूरज सिंह के साथ जाएंगे, तीसरा ड्राइवर चेंज है गाइस। हाँ हाँ चलो चलो, कॉमेडी हो गया। 2 किलो आम ले गया, मतलब पैसे नहीं थे मेरे पास सच में, क्योंकि पर्स गली भूल गया हूँ मैं, और बाकी गूगल पे चलता है, गूगल पे। फिर मैंने कहा गूगल पे आके चले, पिठा लाया 100 रुपया मैंने, तो 100 रुपये से 2 किलो आम पंकज भाई गए, दिखाएंगे किसने मंगाई है। ठीक है, बड़े सब्सक्राइब ये देखो, हम ऐसे जमीन में बैठे कि बोल रहे कि देखे देखे जैसे लग रहे हैं, बट इनको पता है कि जस्सी भाई है करके। ये देखो ये तो सिर्फ बोलने का है, पहचानते तो हैं, थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना। अरे गाइस पहचानते हैं, मतलब ये लोग सभी अच्छे से ब्लॉग देखते हैं, मतलब देखो गाइस सिस्टम बिल्कुल गाइस। बाय बाय, आम इनके थे फौजी साहब के, ये जो हमने पिठा के पैसों से आम लिए तुम्हारे लिए, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं पड़ा था। पिठा भी लगा दिया, पिठा लगाया था यार, पिठा का जो पैसा होता है तुमने दान करे हमने। गाइस हम मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। बताओ, इन आमों के बदले देख लो हम इनको कितने रुपए दे रहे हैं बेटा। गाइस ये क्या इनकम मांगी क्या मेरी, देख लो बैंग। गाइस ये है 3400 रुपए के आम। ओ भाई इसको मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, ये देखो बंद कीजिए। ठीक है गाइस, तो गाइस फाइनल मैं घर पहुंच चुका हूं, तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी गाड़ी चलाए तो हेलमेट जरूर पहने। हेलमेट हम इसलिए नहीं लेके थे क्योंकि हम शादी में गए थे, तो हम पहले शादी में फिर हेलमेट कहां रखे हो जाती है, इसलिए नहीं ले गए थे। तो फिर गाइस हमने तो ब्लॉग को थोड़ा इंटरटेनमेंट बनाया था, ऐसे ब्लॉग देखते ना लोग कि आगे चालान हो रहे हैं तो इस टाइप का, बट आप लोग मतलब हेलमेट पहने। ठीक है गाइस, ये पर सिर्फ खाली अपने फन के लिए था कि आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराने के लिए ब्लॉग में, और बाकी जो भी है हम तो थोड़े उसी चक्कर में आपको घुमा भी दिया, हमने थोड़ी लोहा घाट की हसीन वादियाँ भी दिखा दी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।